दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें। हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों अपने देश में हालांकि ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जो हर साल अलग अलग सब्जेक्ट्स में, अलग अलग स्ट्रीम्स में पीएचडी में एडमिशंस लेते हैं, एंट्रेंस कंडक्ट करवाते हैं और पीएचडी के एडमिशंस लेने के बाद रिसर्च करवाते हैं। जो भी स्कॉलर्स पीएचडी में एडमिशन लेते हैं वो रिसर्च करते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। और ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है जो कि यूनिवर्सिटी अभी बनी है एक दो साल के अंदर, पर वो अलग अलग तरह से जो एडमिशंस लेते हैं वो बहुत ज्यादा एडमिशंस लेते हैं, बाद में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। और यूनिवर्सिटीज में जब आप एडमिशन लेते हैं किन किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो आपसे एडमिशन ले तो लेंगी बट कभी भी डिग्री अवार्ड नहीं करेंगे, ऐसी बहुत सारी चीजें अक्सर देखने को मिलती हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के साथ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ऐसा ही एक नाम हमारे सामने आता है जो एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी है, इसलिए अच्छी बोल रहा हूं क्योंकि उसके पास NIRF की रैंकिंग जो 164 है, साथ में ही UGC पर जो रैंक करती है यूनिवर्सिटी, मतलब रैंक इन द सेंस कि UGC पर लिस्टेड है, सब डिटेल्स मेंशन है, काफी सारे अप्रूवल्स है, 350 एकड़ का कैंपस है और भी कई सारी चीज जो आप अक्सर स्टूडेंट्स हमें बताते हैं और जो अक्सर आप सवाल पूछते हैं, द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, ग्लोकल यूनिवर्सिटी जो कि सहारनपुर में स्थित है। दोस्तों इस यूनिवर्सिटी से क्या आपको PhD करनी चाहिए, PhD में क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए इस यूनिवर्सिटी से, क्या फीस होगी, क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से नियम और कानून या कायदे हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप PhD करना चाहते हैं, आज उन सभी बातों पर डिस्कस करूंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए PhD फ्रॉम द ग्लोकल यूनिवर्सिटी बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एडवर्टीजमेंट अक्सर आप लगातार देखते होंगे जिसमें एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटीज अपने एडवर्टीजमेंट देती हैं। द ग्लोकल यूनिवर्सिटी जो PhD करवाती है अलग अलग डिसिप्लिन में, अलग अलग सब्जेक्ट्स में PhD आप इस यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस कंडक्ट करवाती है टाइम टू टाइम और साथ में ही एडमिशंस लेती है, रिसर्च करवाती है स्टूडेंट्स को कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्सिटी के पास। उससे पहले दोस्तों आप ये जानिए कि अपने जो यूपी में टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, टोटल 32 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, 31वें नंबर पर जाके आप चेक कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी की डिटेल्स के बारे में। इस यूनिवर्सिटी सब डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगी। सेक्शन 2F में ये यूनिवर्सिटी बनी है क्योंकि प्राइवेट की यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी 2012 से यूनिवर्सिटी एडमिशंस ले रही है, 2012 से काम कर रही है। UGC रिकॉग्नाइज है, यूनिवर्सिटी के पास NCT का अप्रूवल है, PCI का अप्रूवल है, फार्मा काउंसिल ऑफ इंडिया का, BCI का भी अप्रूवल है, AIU लिस्टेड है, ऐसी कई सारी चीजें यूनिवर्सिटी के पास है। साथ में ही NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो रैंकिंग है 164 है, जो अपने आप में ठीक रैंक में इसको कहूंगा, बहुत अच्छी रैंक तो मैं इसको नहीं कहूंगा। यूनिवर्सिटी किन किन डिसिप्लिन में, किन किन सब्जेक्ट्स में PhD में एडमिशन लेती है, स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मतलब डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक जो कोर्सेज होते हैं, मान लीजिए आपने एमटेक किया है किसी भी सब्जेक्ट में, कंप्यूटर साइंस में किया आपने या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में किया, सिविल इंजीनियरिंग में किया आपने या फिर मैकेनिकल में किया, पेट्रोलियम में किया या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपने किया हो, तो आप PhD कर सकते हैं। सभी तरह की जो स्ट्रीम्स और साथ में जो गाइड्स हैं यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल है। स्कूल ऑफ एजुकेशन ह्यूमैनिटीज मतलब कि एजुकेशन में करना चाहते हैं, फिजिकल एजुकेशन करना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, होम साइंस, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब में भी आप एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटी में। साथ में ही स्कूल ऑफ बिजनेस एंड कॉमर्स मतलब कि मैनेजमेंट में हो या कॉमर्स में हो, आप मान लीजिए MCOM किया है, MBA किया है आपने, तो भी आप PhD कर सकते हैं इसके अंदर, चाहे आप कॉमर्स में करें चाहे आप मैनेजमेंट में कर लें। स्कूल ऑफ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेज जैसे कि फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोमेडिकल में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फिर आप जूलॉजी में कर सकते हैं, फिलॉसफी में एंड बॉटनी में, ऐसे सब्जेक्ट्स बन जाते हैं, उनमें भी यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन आप ले सकते हैं। स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर काफ़ी स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं कि हमें सर एग्रीकल्चर में PhD करनी है, कोई अच्छी बेस्ट यूनिवर्सिटी बताइए। अक्सर जो आप हमें सवाल पूछते हैं हम लोगों से कि सर हम किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें,
पीएचडी के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी रहेगी। आप यूपी से हैं तो एक ही यूनिवर्सिटी का ऑप्शन बहुत अच्छा आपके पास हो सकता है, पर मैं आपको फिर से आपको कहूं कि आपको यूनिवर्सिटी विजिट जरूर करना चाहिए पहले, आपको जाकर एडमिशन लेने से पहले, या फिर डायरेक्ट आप यूनिवर्सिटी से लिंक करें। आप बहुत तरह की जो सवाल आपके दिल में है वो सवाल आप यूनिवर्सिटी से पूछें, तभी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें। साथ में ही स्कूल ऑफ फार्मेसी, मतलब फार्मेसी, मैम फार्मेसी आपने कंप्लीट किया है तो भी आप पीएचडी कर सकते हैं, या लॉ में आप पीएचडी करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के द्वारा तो भी आप कर सकते हैं। एक लमसम फीस की अगर हम बात करें तो लगभग इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का जो खर्चा है आपके, जो फी की बात करें, पूरे अगर हम बात करें 3 साल की, लगभग 3 लाख तक आपको देने पड़ सकते हैं। 90,000 रुपये का कहें हम पर ईयर की फीस, या हम कहें 1 लाख पर ईयर की फीस, क्योंकि लास्ट में इवेल्यूएशन फीस जो आपको देनी होती है वो अलग से होती है। तो आप इस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो पर ईयर 1 लाख तक मान सकते हैं। पीएचडी करने के लिए लगभग 3 लाख आपके इस यूनिवर्सिटी से लग जाएंगे। यूनिवर्सिटी के पास हालांकि कैंपस बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर कैंपस है, अच्छा कैंपस है, आप जाएंगे तो आपको फील भी होगा उस चीज के लिए। NIRF की जो रैंकिंग है वो भी ठीक ही है, UGC पर यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेंशन है। साथ में अलग अलग तरह की यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल है, हालांकि हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई है पीएचडी के बारे में। ग्लोकल यूनिवर्सिटी पर एक हमारा वीडियो था कि पीएचडी में अगर आप एडमिशन लेंगे किन किन सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी करवाती है, फीस क्या है। आपका कोई भी किसी भी तरह का सवाल ग्लोकल यूनिवर्सिटी से अगर जुड़ा हुआ है, या अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ग्लोकल यूनिवर्सिटी के, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर पूछें या व्हाट्सएप करें। एडमिशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, कुछ भी जानना चाहते हैं ग्लोकल यूनिवर्सिटी के बारे में, आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और हमें इंतजार रहेगा आपके सजेशंस का कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पर लेकर आएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी अगर चाहते हैं पीएचडी में एडमिशन लेना तो उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज हम आप तक पहुँचा सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।